माय स्वीट मॉय। तो आज का राइड थोड़ा अलग होने वाला है गाइस। आज हम लोग जा रहे हैं एक विलेज ट्रेल राइड पे। अभी हम जा रहे हैं गुड़िया स्टेशन पर, वहाँ पर हमारे लिए हमारा ग्रुप वेट कर रहा है और आज का राइड प्लान ये है। तो आज के राइड पे हम जा रहे हैं सुनानपुर आड़ा पाच, एक विलेज ऑफ ट्रेल राइड है। तो देखते हैं क्या होता है आज का राइड। मुझे लगता है आज का राइड थोड़ा अलग ही होगा क्योंकि एक ऑफ ट्रेल राइड है। Cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. Actually, आज थोड़ा लेट हो गया हमें उठने में और निकलने में, तो हमारा ग्रुप आगे निकल गया है टू व्हील्स कोलकाता और वो लोग जा रहे हैं आरा पास। Trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you. So, हम पहुंच गए गंगा जोड़ा पे और अभी हम राइड कर रहे ग्रुप के साथ और रास्ता बहुत खराब है इसीलिए मैं शॉर्ट्स नहीं ले पा रहा। एक हाथ से चलाना मुश्किल हो रहा है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। हम हैं डीही पर, सोनारपुर की तरफ जा रहे हैं। देख सकते हैं रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है इसीलिए ज़रा सेल्फी कैमरे पे वीडियो करना मुश्किल हो रहा है। हमने स्पीड ब्रेकर है फिर भी मैं वीडियो कर रहा हूँ। ऑसम प्लेस गाइस, ग्रीन ही ग्रीन। शहर से दूर अभी हम हैं शामिक पोसा, इसका जगह का नाम है ये, बहुत अच्छी जगह है गाइस। मेरे पीछे देख रहे हैं सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन, पौधे ही पौधे। नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। काओ हमारा साइकिल भी हमारा। Where is the awesome place in towards Sonarpur, I think. अभी हम सोनारपुर की तरफ जाने के वक्त एक भेड़ी को देखा, भेड़ी था यहाँ पर और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। देख सकते हैं हमारे साइकिल सारे साइकिलिस्ट पीछे हैं और बहुत मज़ा कर रहे हैं हम लोग। वो देखिए शौनकदौड़ और बाकी सारे है, तो आगे मिलते सबके साथ। देखिए क्या दिख रहा है, शहर में ये वाला सीन इतना इतना रेयर हो गया है कि हम लोगों को अभी शहर से बाहर आना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे तो इतना ग्रीनरी है नहीं। और यहाँ पे रुके देखा जाता है कौन कौन है मेरे साथ। एंड हिज साइकिल सुनोत। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को आज? तो मतलब इंटीरियर में आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। करीब आ गए हम, नेचर तो बहुत अच्छा है लेकिन यही पे कोरोना वोरोना बोल के कुछ नहीं, बहुत फ्रेश है। फ्रेश एयर, फ्रेश एयर अगर आप लोगों को चाहिए तो ज़रा वीक में एक बार भी अगर पॉसिबल हो तो निकलिए अपने घर से। फ्रेश एयर तो सबसे बड़ा बात है, अभी तो सिटी में इतना फ्रेश एयर नहीं मिलता है हम लोग को, तो ऑक्सीजन चाहिए तो सुबह आ जाइए इस सब एरिया पे, मेरे ख्याल से ग्रेट आइडिया। और ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है ये जो ग्रीन है।
देख सकते हैं गाइस आप लोग, यहाँ का एम्बियंस ही पूरा अलग है, पूरा मतलब ऐसा एम्बियंस तो शहर में आपको नहीं मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपने हेल्थ के लिए, नेचर के लिए जस्ट निकलिए घर से। व्हाट अ प्लेस गाइस, व्हाट अ प्लेस। तो विजित दा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग आया है विलेज में, एक अनटच्ड विलेज है। यहाँ पे साइकिल, गाड़ी, बाइक, आज कुछ नहीं चलता है। यहाँ पर हॉर्न का साउंड भी नहीं है, हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। और अभी चाय के लिए जरा चाय का दुकान ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शहर की तरह यहाँ पर हर गली में चाय का दुकान नहीं होता, सब जगह ढूंढना पड़ता है। बट चाय का दुकान जहाँ मिलेगा, माँ कसम बहुत अच्छा चाय मिलेगा, ये तो श्योर है, क्योंकि चार तरफ गाय ही गाय, तो पूरा नेचुरल चीज़ है। साइकिल में हवा नहीं है तो हवा दे रहे हैं अब। तो हमारा पराठा का पर्व ख़त्म हो गया, अभी हम लौट रहे हैं। सात बज गया है और अभी हम लौट रहे हैं। हम एक दिन आएंगे, हम एक दिन आएंगे। गाना गाने का दिल कर रहा है गाइस, इतनी अच्छी जगह है कि दिल तो खुश हो गया, आज का दिन तो बन गया मेरा। गाइस एक बार हाई कर दो। ओह व्हाट अ व्यू। गंगा जोड़ा की तरफ जा रहे हैं हम लोग अभी। ऐसी रोड बोलपुर में है, बोलपुर में ऐसी रोड मुझे मैंने देखा है, जब मैं बस से या गाड़ी से शांतिनिकेतन बोलपुर जाता हूँ तब मुझे ऐसा रोड मिला है। बट साइकिलिंग करते हुए ऐसा रोड मेरे ब्लॉक में भी नहीं है। तो मॉर्निंग प्रैक्टिस सेशन, आप लोग जो रोड अभी देखे, ये रोड नवाबाद में है, नवाबाद। तो इस रोड में ज़रूर आएंगे फिर से, मार्क कर लिए। वो भी दाना तो पहले ही मार्क कर लिया, क्योंकि हमको तो फिर से आना है। यह है उभयदा का नया पैनियर, जो बहुत ही काम का चीज़ है। और ये वाला पैनियर साइकिल में बहुत अच्छा भी लग रहा है। जो अभी हम रुके हैं क्योंकि हमारे कुछ दोस्त पीछे हैं, तो उनसे निवेद कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग फिर से एक साथ चलेंगे आगे गुड़िया तक। मेरे सामने है जो ट्रेक एमटीबी। तो अभी हम पाटली चल रहे हैं, घुस गए अपने सिटी में। खैर जैसा भी हो, सिटी तो अपना ही है ना। लौट रहे, वो जा रहे अपने घर, बागायती और मैं अपने घर। तो विजित दा आज का राइड कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा आज का राइड। वैसे मैं एक बार बात बता दूँ कि आज का राइड विजित दा ने ही प्लान किया था, तो मैंने भी इस जगह पर पहले नहीं आया। तो विजित दा थैंक यू फॉर दिस राइड, फॉर प्लानिंग दिस राइड। तो अभिजीत दा लौट गए पाटुली से, उन्होंने लिफ्ट ले लिया, मैं सीधा जा रहा हूँ। हाय गाइस, तो आज लौटने के वक्त मुलाकात हो गया। एलेक्स इज रेडी टू इंडिया एंड वेस्ट बंगाल। तो मैं चाहूँगा ज़रा आप पता ही है उनका जो प्लान है। बोलूँगा हाँ, हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, बंगाली में बोलिए। Hi guys, very good morning, and my name is Alex and he is Amit. So, today
आई मेट हिम एक्चुअली फॉर माय राइडिंग ऑन द वे ट्रिप टू बर्धमान आई मेट हिम एक्चुअली इज अ वेरी नाइस गाय एंड प्लीज सब्सक्राइब हिज चैनल थैंक यू एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू रीच होल इंडिया व्हिच इज साइकिल ही इज टू बी रेडी एंड ही इज प्लानिंग फॉर बर्धमान सो बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे नाइस ट्रिप पंप ज़रूर कीजिए क्योंकि अगर हवा कम हो टायर में तो लॉन्ग राइड में बहुत प्रॉब्लम होगा गाइस बी केयरफुल अगर आप भी लॉन्ग राइड कर रहे हो तो पंप ज़रूर करके निकलिए क्योंकि साइकिल में अगर टायर में हवा नहीं रहे तो आप ज़्यादा देर नहीं चला सकते हवा बढ़ते बढ़ते टायर का मतलब फट गया हमारा अभी फट गया तो इसे ठीक करना पड़ेगा क्योंकि तो गाइस यही प्रॉब्लम है लॉन्ग ट्रिप में अगर निकलो तो बी केयरफुल आपके इक्विपमेंट्स आपके टायर आपकी साइकिल एकदम ओके होना चाहिए क्योंकि अगर वो ठीक ना रहे तो लॉन्ग ट्रिप आपका जो हेवनली एक्सपीरियंस है वो हेल होने में 2 मिनट नहीं लगेगा आपको साइकिल ठीक हो गया लेट्स रोल गाइस तो आज बहुत मज़ा आया आज किसी का हेल्प करके भी बहुत अच्छा लगता है जो एलेक्स था एलेक्स का टायर पंचर हो गया मतलब हवा देते देते गर्मी बहुत है तो ज़्यादा हवा भरने से टायर एक्सपेंड हो जाता है और टायर फट जाने का एक चांस रहता है तो वही हुआ एलेक्स के साथ भी तो वो निकल गया तो साइकिल अभी ठीक ठाक है तो बेस्ट विशेस फॉर हिम और आज का मेरा राइड ख़त्म होने वाला है क्योंकि मैं अभी घर लौट रहा हूँ घर में मिलते हैं गाइस Happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Nahakar, full fresh, shareer, dimag. So, agar ye wala video acha lage. साइकिलिंग का ब्लॉग डेली ब्लॉग सबको भी अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालना क्योंकि आप लोगों का ओपिनियन बहुत ज़रूरी है